जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। दुल्ली पट्टी में मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत, ग्रामीणों ने जताया हत्या का आशंका। आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों संग मिलकर किया एनएच जाम। मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी गांव में गुरुवार देर शाम कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए गए एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह जब परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव मिला तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। चार घंटे तक चले चक्का जाम को हटाने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। काफी मान मनोबल और उनकी मांगों को मानने के बाद परिजन लाश लेकर घर चले गए। जयनगर के सीओ सुजाता कुमारी समेत अन्य अधिकारी और जयनगर बासोपट्टी क्लुआही तीन थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों से बातचीत कर सड़क जाम को हटाया गया। वहीं इस मामले को लेकर मृतक के पिता राम जीवन महतो जयनगर थाने में इस घटना को लेकर आवेदन भी दिया है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मेरा पुत्र रोशन कुमार गुरुवार को घर से शाम 5 बजे निकला था। उसके बाद शाम को करीब 8 बजे मुझे कॉल आया कि मेरा पुत्र शिलानाथ के तालाब में डूब गया। उसके बाद जानकारी मिली कि उसे अनुमंडल अस्पताल जयनगर ले गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन शरीर देखने के बाद मामला संदिग्ध नजर आता है। उक्त बातों को ध्यान में देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग किया हूं। उसी दरमियान यह निकल गया। निकलने के बाद रात में मतलब शंकर भाई जी टीचर है, उनको मतलब कॉल आता है दुल्ली पट्टी से कि सेली बेली का कोई लड़का डूब गया है, और डूब गया है तो यहाँ से आनंद फानंद में आदमी गया और पता किया तो देखा कि भाई ये तो हमारा ही सामान है। फिर यहाँ से आदमी जाने के बाद हॉस्पिटल उसको ले गया, पता चला है कि हॉस्पिटल में वहाँ का ही कुछ लोकल लोग उनको हॉस्पिटल ले गया है। लेकिन एक वीडियो फुटेज हम लोग देखे हैं, उस वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि इसको डूबा नहीं है, इसको डुबाया गया है। और वहाँ के लोग जो कह रहा है कि यह डूब गया है, मूर्ति के अंदर दब गया है, लेकिन एक वीडियो में वह दिख रहा है कि मूर्ति के पीछे से वह धक्का मार रहा है और मूर्ति का डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस लगभग लगभग में 20 मीटर का दूरी है। तो ये तो भाई पता नहीं चल रहा है कि यह मूर्ति के अंदर कैसे दब गया। लेकिन इनके साथ बगल के ही मोहल्ले के कुछ लड़के गए हुए हैं, उनको तो सारा पता है, और वह लड़का अभी तक इनके पास न मिलने आया है न फ़ोन किया है। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि इनको कानूनी अपने स्तर से जांच करके जो भी दोषी होगा उन पर कानूनी कार्रवाई करें। और जो लड़का इनको कॉल किया है, मुझे तो नहीं जानकारी है क्योंकि मैं इनका बहनोई ही हूँ और मुझे लेट से जानकारी हुई, मुझे 9 बजे तकरीबन जानकारी हुई, तो मैं 9:30 बजे तक घर से आया, तब तक ये तो वहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती था। रोशन जी कितने भाई थे? रोशन जी दो भाई थे। ये छोटे थे बड़े थे? ये छोटे थे और अग्नि डिफेंस का तैयारी करते थे, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और अग्निवीर का रिटेन भी निकाले हैं और इससे पहले SSC वाला भी रिटेन निकाले हुए थे और बहुत सारा एग्जाम निकाले हैं, लेकिन अनहोनी का कोई। बड़ा भाई का नाम? बड़ा भाई इंजीनियर थे, अब दिल्ली में जॉब करते थे, दिल्ली से पटना अभी आए तो पटना में जॉब करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुशवाहा हुआ। अभी रोड जो जाम किया आप लोग यहाँ ग्रामीण के सहयोग से, क्या मुख्य मांग है आप लोग का? देखिए मांग है हम लोग शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग यहाँ पर जो रोड जाम किए हुए हैं, मांग यह है कि जो भी व्यक्ति दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमको रात 10 बजे में मिला जो मूर्ति भसान में कुछ लड़का लोगों के साथ हुआ, शिलानाथ मंदिर के सामने पोखरा है उसमें मूर्ति विसर्जन के लिए सब कोई मिलजुल करके कर रहा था, लेकिन अटेंडम कहीं से उस लड़का को किसी से विवाद था या क्या था वो भगवान मालिक, लेकिन देखने के उपरांत वह लगता है जैसे उसके साथ कोई जासूसी किया गया है या कोई घटना किया गया है। तो हम प्रशासन से आग्रह निवेदन करेंगे कि वह अपने स्तर से प्रशासनिक जो कानूनी कार्रवाई होता है जिससे कि उसके परिवार को शांति मिले, यही हमारी अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर राय, पूर्व प्रमुख वर्तमान पंचायत समिति सेली वेली पंचायत। मिले हम लोगों का बार बार ही घटना हो रहा है, किसी प्रकार का प्रशासन जो है इस पर देख रेख नहीं कर रहा है, सारा बात जो हो रहा है बार बार 3 घटना हुआ लेकिन अभी तक किसी प्रकार का नहीं कर रहा। घटना कैसे हुई है, क्या जानकारी आपको अभी तक?
पता चला है कि मूर्ति भसान में गया था, वहाँ पर जो है सो कंठकूट दबा दिया गया है कि क्या है, हम नहीं थे, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच में जो हम निकले, लेकिन अभी तक जो लड़का सब है सो किसी प्रकार का ये अच्छी नहीं गया है। उसके साथ जो लड़का था अभी तक संपर्क में नहीं, नहीं संपर्क में नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ किए हुए है, न किसी प्रकार जो मानवता होता है वो आने से दूर है, अभी तक नहीं आया है, बगल ले का है लड़का सब, अभी किसी प्रकार से आपका हम है इस पंचायत के सरपंच हैं। क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार महतो। खाना खा के उठे, उसके बाद पता चला जो एक हमारे जिया का लड़का है उसका मृत्यु हो गया, तो हमने पूछा कैसे मृत्यु हुआ, तो शिलानाथ के धाम के मंदिर के नज़दीक में जाकर उसका मृत्यु हो गया। हम बोले कैसे हुआ, उससे पहले तो दो घटना हुआ था जिसमें मंत्री जी का भाई को मंत्री जी भाई को हुआ, उसके बाद जो है एक तो लड़का को जाने से मार दिया, वो तो मंत्री जी पैसा वाले थे जो उसको बचा लिए, उसके बाद ये घटना हुई है उसमें भी उस सुनते हैं उन्हीं लोगों का हाथ है जो पहले मारा था उन्हीं लोगों का हाथ है। क्या मांग करते हैं आप इस रोड जाम करते? न्याय मांग करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है घटना के बारे में क्या कहना चाहिएगा? घटना के बारे में यह चाहते हैं कि प्रशासन या और किसी भी तरह का CID हो, किसी के द्वारा उसको जांच करके उसको निकाला जाए जो कौन मृत्यु करता है उस तरह मारता है लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचंद्र महतो। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। मार दिया है ऐसे करके, कोई बोला एक्सीडेंट, और 4-5 कॉल आया, सब अलग अलग सभी का कॉल आया, तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गए तो देखे वहाँ से ले गया था पोखर से ले गया था हॉस्पिटल, तो हम लोग हॉस्पिटल में हम सब पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँचे तो उसको देखे, हॉस्पिटल में जो वार्ड होता है वार्ड में लेटाया हुआ था, वार्ड में लेटा के उसका जितना भी दोस्त था या ग्रामीण लोग था वहाँ से ले गया था, और ले जाने के बाद उसको छोड़ के सब चला गया था। हम लोग अपने गांव से सबसे पहले पहुँचे थे, हम लोग अपने गांव से पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं, किसी को नहीं देखे, तो हम सब बोले क्या हुआ नहीं हुआ, 2-4 लड़का सब था वहाँ से, तो पूछे तो बोला ऐसे बात हुआ है, वीडियो फोटो सब आया है कि उसको कोई पानी में धकेल दिया या ये वीडियो फोटो कहाँ से आया? वो वहाँ पे तो कई जब विसर्जन हो रहा था पानी में ले जा रहा था भगवान को, तो बहुत सारा मोबाइल चल रहा था वहाँ पे, तो उसी से कई किसी दोस्त से फोटो आया वीडियो आया, बोला कि उसमें ये तो वीडियो में जो आया है जो पीछे से जो रोशन है वो मूर्ति तो साइड होता है किनारे पे मूर्ति को रख दिया और पीछे से वो धक्का मार दिया, और इतना तक कि जो धक्का मारने के बाद ये समाप्त हो, उसके बाद क्या हुआ उस इतना वीडियो नहीं है। तो ये अभी जो खाना को अभी पार्टी में साफ देखा लगा है, आप लोगों को कैसे पता चला? हम नहीं देखे वो लड़का कौन है, लेकिन बोला है इतना दोस्त है पिंटू का। और जितने भी इसके दोस्त थे आपके भाई के, कोई भी दोस्त यहाँ मिलने के लिए नहीं आया? नहीं कोई आया है, कोई नहीं आया है। अगर वो कभी लोकल के नहीं किया तो आता ना, सुबह मेरा दोस्त चला गया उसका माँ बाप कैसे होगा, लेकिन कोई नहीं आया, सब डर रहा है, पता नहीं गलती नहीं किया तो क्या चीज का डर है, गलती किया तो मर नहीं आ रहा है, गलती नहीं किया था तो क्या चीज का डर है, हम थे वहाँ पे, मैं आपके दोस्त को लेके गया था लेकिन गलती किया तब ना नहीं आ रहा। मोबाइल नंबर आपने खंगाला, किसी को फोन करने का प्रयास किया आपने? नहीं, जब मोबाइल को घर पे ही चार्ज में लगा के गया था, बोला दीदी जीजाजी का फोन आएगा तो नहीं, जिससे दोस्त का नंबर जो फोन किया था उन लोगों को फोन करने का कोशिश किया गया? हाँ कर, लेकिन रिसीव नहीं किया, स्विच ऑफ मार दिया। नहीं रिसीव नहीं किया, एमओ को फोन किया तो रिसीव नहीं किया, हम लोग खुद बेहोश हो गए सुने तो नहीं फोन किया, उसके बाद अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।